हेलो फ्रेंड्स, मिक्की सिलाई ट्रिक्स में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आसन या डोरमेट, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, या पूजा के आसन पर भी आप इसे बिछाकर इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल है और बहुत कम सामान में हमने इसे बनाया। आपके घर में पड़े हुए बेकार कपड़ों से हमने इसे बनाया है। और सॉरी, मैं वीडियो अभी नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं बाहर चली गई थी बहुत दिनों से, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रही थी। अब मैं लगातार वीडियो डालूंगी आप लोग के डिमांड पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह का मैं आपको पौधान बना के दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कम समय में और बहुत ही आपके घर में पड़े वेस्ट कपड़ों से मैंने बनाया है। तो चलिए इस तरह का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, बचे हुए जींस को हमने इस तरह कट कर करके और इसे जोड़ लिया है। जितना भी बड़ा आपको बनाना है, पहले आप उस तरह का जोड़ ले। और ये देखिए इस तरह का। अब इसके ऊपर हम पुराना कपड़ा डालेंगे। तो ये देखिए, उसी साइज का मैंने कोई पुराना कपड़ा लेके, आपके पास कोई भी कपड़ा और पुराना घर में पड़ा होगा, आप उसको डाल सकते हैं। और इसे चारों तरफ से इस तरह हमें सिल देना है पहले। और ये देखिए, अब मैंने इसे क्या किया, घर में बचे हुए कपड़े से, जो भी घर में आपका कपड़ा बचा हुआ है, आप उस तरह इस तरह डोरी आप बना ले। जैसे कि पेटीकोट का जो डोरी हम लोग बनाते हैं, उसी तरह का मैंने इस तरह डोरी लंबा लंबा हर कलर का मैंने बना लिया है। तो इसी तरह बना लेते हैं। अब हम कोई भी एक रस्सी लेंगे और इस तरह लंबा लंबा हमें इस तरह देखिए रखना है, और बीचों बीच हमें सीना है, ज्यादा नहीं, एक ही सिलाई देना है। इस तरह पकड़ के और सीधा सीधा हमें सिल देना है। तो ये देखिए, इस तरह पहले हमने पूरा लंबा लंबा एक लाइन फिनिश कर लिया है। अब इसी तरह दूसरा लाइन भी फिनिश कर लेते हैं। अब ये देखिए, पीला वाला के जस्ट बगल में फिर हमें रेड वाला देना है। कलर मिला मिला के इसी तरह हमें देते जाना है, बस उसके जस्ट बगल में इसी तरह लंबा लंबा सिलाई देना है। कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। और अभी मैं वीडियो आप लोग को नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं बहुत दिनों से कहीं चली गई थी, तो मैं यहाँ थी नहीं, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसके लिए सॉरी। तो अब मैं लगातार आप लोग के डिमांड पर मैं वीडियो बनाती रहूंगी। तो अब देखिए, इसी तरह लंबा लंबा हमें सिल लेना है। तो ये देखिए, दूसरा लाइन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह सारा हम लंबा लंबा जोड़ लेते हैं, एक तैयार कर लेते इसे। तो ये देखिए, मैंने पूरा इस तरह फिनिश कर लिया, आप देख सकते हैं अच्छा से ये बन चुका है। आप चाहे तो इसे पूजा में भी यूज कर सकते हैं, पूजा के आसन पर बैठ सकते हैं, आप डोरमेट भी बना सकते हैं या आसन के लिए भी बना सकते हैं। अब हम इसमें चारों तरफ लाल रंग का पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए देखिए, ये 1.5 इंची का चौड़ाई है। तो इस तरह हम लेंगे और ज्वाइंट कर लेते हैं, और चारों तरफ पहले हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह अब रखना है, ये सीधा है और ये उल्टा है। कपड़े को पहले हम इस तरह उल्टे में इस तरह पहले पूरे पे चारों तरफ हमें इस तरह सिल लेना है। ये देखिए, इस तरह पहले चारों तरफ इस तरह सिल लेंगे, और उसके बाद इसे जैसे हम लोग पाइपिंग देते हैं पलट लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह का पकड़ने के बाद इस तरह का पाइपिंग हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह का सारा में पाइपिंग लगा लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने पाइपिंग लगा लिया है, और कितना सुंदर ये आसन या डोरमेट या कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। और ये देखिए, पीछे भी मैं आपको दिखा दूं, कितना अच्छा लग रहा है और यूजफुल है, कभी भी फटेगा नहीं, बहुत दिनों तक ये चलेगा। तो आप इसे घर में बैठे आसानी से बनाइए। और हमारे तो ये देखिए, इस तरह से आसान से वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आती रहूंगी। और अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर घंटी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।